अरे टॉम लेथम यार भैया, और बताओ ये सीरीज की तरफ आंखें फाड़ फाड़ के काय के लिए देख रहे हो? अबे यार भाई, इसको जीतने की औकात नहीं है तुम्हारी, बाद में काय के लिए देख रहे हो? अरे भैया, हमने तो पहले ही कहा था हमसे नहीं लो पंगा वरना हम कर देंगे तुम्हें नंगा। अरे भैया, तुमने फिर भी ले लिया पंगा, अब चुपचाप बैठे रहो वरना अभी कपड़े फाड़ देंगे, उसके बाद तुम हो जाओगे एकदम नंगा, समझे? अबे रहने दो रोहित भैया। यार भाई ये सब तो ठीक है यार भैया, हमने तुमसे गलत पंगा लिया, लेकिन यार भाई तुम ये बताओ तुम ऐसा करते क्यों हो? अरे बताओ यार भैया, तुम्हारा समझ में ना आता कभी कौन सा भी बल्लेबाज कूट देता है हमको, और भैया कभी कौन सा भी गेंदबाज खतरनाक गेंदबाजी करता है। अरे बताओ, पिछले मैचों में मोहम्मद सिराज बढ़िया गेंदबाजी कर रहा, और लेकिन यार भैया आज मोहम्मद शमी ने ऐसी तैसी मार दी। अरे यार भैया, ऐसा कहाँ से कर लेते हो तुम? अरे लेथम यार भैया, देखो तुम्हारा नाम है टॉम लेथम, और हमारी टीम का नहीं पता भैया किस खिलाड़ी में है कितना दम। अरे भैया, हमारे खिलाड़ियों में है अपार शक्ति जो विरोधी टीम को कूट के रख देते हैं जबरदस्ती, समझे? अबे विराट भाई, यार भैया तुम कैसी बात करती? अबे यार भाई, हम भी खानदानी अंग्रेज होती, लेकिन यार भैया हमको समझ में नहीं आती तुम्हारा टीम इतना तगड़ा कैसे होती। अबे तुम्हारी टीम में मोहम्मद शमी होती, पांड्या होती, और भैया सिराज के खाज होती। अबे चुप कर ससुरी के, काय के लिए बकवास करे जा रहा है? अबे साले हरामखोर, काय के लिए कह रहा है सिराज के खाज? अबे ससुरी के, सिराज यहाँ पे है नहीं वरना मार मार के तेरा थोबड़ा बिगाड़ देता, समझे? अबे ससुरी के, नाम है उसका मोहम्मद सिराज, और वो करता है गेंदबाजी के मामले में पूरी दुनिया में राज, समझा? पांड्या भाई, यार भैया तुमको काय को मिर्ची लगती? अबे यार भाई, हम सिराज का बात करती, पिछले मैच में 4 विकेट लेती सिराज, और सुमन गिल भी हमारे गेंदबाज को फोड़ती, लेकिन यार भैया इस मैच में मोहम्मद शमी का जलवा होती, और हमारी पूरी टीम लुल होती, लेकिन यार भैया सिराज के पीछे तुमको काय को मिर्ची लगती? अरे जी लेने दो यार भैया, जी लेने दो। अरे तुम यहाँ पे लड़ाई करवाने आए हो, क्रिकेट खेलने आए हो? अबे यार भाई, ये इंडिया वाले हैं, इनकी बात का बुरा मानोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? यार भैया तुम चुपचाप बैठे रहो वरना तुम्हारे साथ साथ हमारी भी दिक्कत आ जाएगी, समझे? अरे पांड्या यार भैया, कोई ना, हम माफी मांग रहे हैं इनकी तरफ से। हाँ हाँ फिलिप यार भैया, तुम माफी मांग रहे हो, जब ही हमने कुछ ना बोला वरना ये फिलिप के थोबड़े पे मार मार के लाल किला बना देते। अबे यार भाई, क्या बकवास कर रहा है, सिराज के हो गई खाज? अबे सिराज तो यहाँ पे है भी नहीं भैया, काय के लिए उसका नाम ले रहा है? अबे काय के लिए ले रहा है पीठ पीछे उसका नाम, और काय के लिए कर रहा है उस पे बातों से प्रहार? और भैया वो यहाँ होता तो इतनी लगाता मार और तेरे थोबड़े का बना देता एकदम द्वार, समझे? अरे शांत हो जाओ समी यार भैया, शांत हो जाओ। अरे ग्लेन फिलिप यार भैया, तुम कैसी बातें करते हो? अबे यार भाई, तुम क्या समझदार खिलाड़ी हो? अरे बताओ, इतने समझदार खिलाड़ी हो के उठपटांग बातें कर रहे हो? अबे यार भैया, बातों से हमको तुम लग रहे हो भूखे और नंगे, और शकल से लग रहे हो बहुत बड़े लफंगे। अबे यार भैया, सुधर जाओ वरना हमारे खिलाड़ी तुम्हें मारेंगे इतना मार, और तुम भूल जाओगे अपना घर और द्वार, समझे? अबे रहने दो रोहित भैया, यार भाई अंग्रेज हैं, ससुरी वाले सुधरने वाले तो है नहीं। अबे दोस्तों यार भाई, देखो तुम हो अंग्रेज खानदानी, लेकिन यार भैया हम भी हैं हिंदुस्तानी, हमारे खिलाफ तुम नहीं कर पाओगे बेईमानी, क्योंकि तुम हो अंग्रेज के बच्चे, और हम हमेशा से पहनाते आ रहे हैं अंग्रेज के बच्चों को अपने फटे हुए कच्चे, समझे? अरे दोस्तों यार भाई, तुम ही बताओ ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी, कमेंट में बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना भूल मत जाना, ठीक है?